हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आरसे ऑनलाइन क्लासेस। फॉर ऑनलाइन क्लासेस आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक इज लार्ज डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूरेसी एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसको आपको ध्यान से समझना रहेगा। फिजिक्स ये कहता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरमेंट है, या किसी भी पर्टिकुलर लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, उसके मेजरमेंट में कोई ना कोई एरर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ अगर मेजर करेंगे इंची टेप से, किसी भी स्केल से, तो मैंने मेजर किया, इसकी लेंथ आई फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको दिया, आपने मेजर किया, तो आपने कहा कि सर इसकी लेंथ है 6.1 सेंटीमीटर। मैंने दूसरे बच्चे को दिया, मैंने कहा बेटा इसकी लेंथ को मेजर करके बताओ, तो उसने कहा कि सर इसकी जो लेंथ है वो है 5.9 सेंटीमीटर। मैंने मेजर किया 6 सेंटीमीटर, एक बच्चे ने मेजर किया 6.1 सेंटीमीटर और एक बच्चे ने मेजर किया 5.9 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है, जब मैंने स्टैंडर्ड लेंथ चेक की कंपनी में ऑनलाइन, तो पता चला कि इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। इट मींस मैंने भी एरर की मेजरमेंट में, बच्चे ने भी और दूसरे बच्चे ने भी क्या की, मेजरमेंट में एरर कर दी। सिमिलर एरर मास में, मैंने कहा कि इसका मास मेजर करना है, तो आपने इंस्ट्रूमेंट है मास मेजर किया, आपने कहा कि सर इसका जो मास है वो 20 ग्राम है। ठीक है, मैंने मेजर किया तो मैंने कहा कि इसका जो मास है वो 19.5 ग्राम। मैंने एक और बच्चे को दिया, मैंने कहा आप मेजर करो, तो उसने कहा कि सर इसके जो मास है वो है 20.5 ग्राम। तो इसका एक्चुअल मास क्या है, जब हमने इस जो कंपनी इसको बनाती है उसकी वेबसाइट को चेक किया, तो पता चला कि इसका जो मास है वो रियल में कितना है, 20 ग्राम। इट मींस हमारे से क्या हो गई, एरर हो गई। उस एरर को कम करने के लिए फिजिक्स से कहता है कुछ जो एरर्स हो जाती हैं लेंथ मेजरमेंट में, टाइम मेजरमेंट में, या फिर मास के मेजरमेंट में, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट में जो भी एरर होती है, उस एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, वही आज का हमारा ये टॉपिक है। टॉपिक को समझते हैं, एरर्स को समझते हैं। एरर्स जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें तीन मेजर जो हमारे पास एरर्स है। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर के यहां पर फिफ्थ मेजर हमारे पास पार्ट है सिस्टमेटिक एरर। सेकंड जो हमारी एरर है वो रैंडम एरर है, और थर्ड हमारी जो एरर है वो है ग्रॉस एरर। ठीक है, तो फर्स्ट को हम समझते हैं। पहले तो ये ध्यान दें, सिस्टमेटिक जो एरर है, सिस्टमेटिक एरर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये एरर एक डायरेक्शन में होती है, इसको डायरेक्शनली एरर भी बोलते हैं। होता क्या एक्चुअल में, फर्स्ट को समझे कि सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसके नाम से पता चल रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ जाती है वो एरर होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉच है, हमने उसको पहले ही 5 मिनट आगे कर रखा है, या फिर किसी बच्चे ने उसको 5 मिनट पीछे कर रखा है, 2 मिनट पीछे कर रखा है एक्चुअल टाइम से, तो वो क्या हो गई, एरर हो गई। ठीक है, इस तरह से इंस्ट्रूमेंटों में जो एरर होती है, जो इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज लेने के बाद उसमें क्या आ जाती है, वो कंप्लीटली रीडिंग नहीं देते, कुछ एरर शो करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फीता देखा होगा, उसकी जो नॉब होती है वो हल्की सी खिंच जाती है या फिर दब जाती है, उससे क्या हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर की क्या आ जाती है उसमें एरर। ठीक है, ये एरर देखो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर में ये पॉजिटिव भी हो सकती है और
नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इंस्ट्रूमेंट कुछ रीडिंग ज्यादा बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 सेंटीमीटर का है और जिस इंची टेप से, जिस फिटर से हम इसको मेजर कर रहे हैं, उस इंची टेप से, उस स्केल से, वो स्केल जो है उसका जीरो हो, क्या होगा यूज करने के बाद जीरो जो है वो घिस गया, तो जब इसको लगाएंगे तो 0.1 क्या बताएगा, वो ज्यादा बताएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आने वाली जो एरर है वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड हमारे पास है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर नाम से पता चल रहा है, ऐसे एरर जो हमारे पर्सनल, जब हम मेजरमेंट करते हैं उस टाइम हमारे द्वारा जो गलती हो जाती है, हमारे से जो गलती होती है मेजरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल हमें स्केल को इस तरह रखना है, अगर हम पर्टिकुलरली सही नहीं देखेंगे क्या से मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास स्केल है, ये स्केल इस तरह से, ठीक है। अब इसमें एक बच्चे ने पर्टिकुलरली यहां पे मैंने कुछ रखा, इसको मेजर कर रहे थे, ये लेंथ है, इसको मेजर कर रहे थे। अब क्या हुआ, जिसने पर्टिकुलरली देखा उसको तो यहां से, जिसने देखा उसको तो रीडिंग क्या आ रही है, कुछ अलग आ रही है, और आप कुछ टेढ़े होकर देखेंगे इसको, जैसे मैंने इधर से देखा तो मेरी रीडिंग इधर आ रही है, मैंने इधर से देखा तो मैंने क्या कर दी, एरर कर दी। देखना कैसे था, एकदम पर्टिकुलर इसके सामने होके देखना था, बट देखा कैसे, या तो इधर होके देख लिया या फिर इधर होके देखेंगे तो रीडिंग क्या आएगी, इधर आएगी। इसका मतलब क्या आ गया, 0.12 का डिफरेंस आ गया, एरर आ गई। पर्टिकुलर वास्त रियल में क्या थी इसकी रीडिंग, ये इसको बोलते हैं पर्सनल एरर, जो हमारे खुद के द्वारा हो जाती है वो है। थर्ड हमारे पास आता है एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस की बात करें, इंटरनल सोर्सेस फॉर एग्जांपल जैसे थर्मामीटर है, हमने क्या किया, थर्मामीटर से एक बॉइल वाटर लिया, ठीक है, हीटिंग पे था, थर्मामीटर लगाया, और जो हमने जो बकेट लिया था वो ऐसा है जो उसको, जो उसकी हीट है वो उसको फास्टली रिमूव कर रहा है, फास्टली क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्या है, इंटरनल एरर है, जो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे बकेट की जो वो है, बकेट का जो मटेरियल है उसकी वजह से, या फिर उसकी, तो उससे क्या है हमारी जो प्रॉपर रीडिंग है वो नहीं आ पा रही, तो इंटरनल सोर्सेस से भी क्या हो जाती है, एरर जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट एरर। नाम से पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट एरर क्या होती है, ऐसी एरर होती है जिनको रिमूव नहीं कर सकते हो, परमानेंट बनी रहती है, ठीक है, ऐसी एरर क्या कहलाती है, कॉन्स्टेंट एरर। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस की बात करें तो जो हम रीडिंग ले रहे थे उस टाइम वहां का टेम्परेचर कैसा था, ठीक है, हमने जब रूम में मेजर किया टेम्परेचर रूम का अलग है, बाहर मेजर किया टेम्परेचर अलग था, फिर हमने एसी रूम में जाती है उसकी रीडिंग ली तो रीडिंग अलग आएगी, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल सोर्सेस से आने वाली एरर, ठीक है। इस तरह से सिस्टमेटिक जो एरर है उसके 5 पार्ट हैं, ये हम एरर जो जनरेट होती है सिस्टमेटिक उनको पढ़ा है। फिर बात करते हैं, देखो सिस्टमेटिक एरर डायरेक्शनल एरर होती हैं। डायरेक्शनल का मतलब यहां पे ये है कि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर की बात करें तो ये डायरेक्शनल नहीं होती, पहली बात तो यहां पे डायरेक्शनल नहीं होती रैंडम एरर। फिर रैंडम एरर कैसे जनरेट होती है, रैंडम एरर को अगर आपको रिमूव करना है, देखो रैंडम जो एरर है उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मेजर करने के लिए हमने रीडिंग ली ये अलग अलग लेंथ से, तो एक बार रीडिंग आई 6.1, एक बार रीडिंग आई 5.9, फिर आई आपके पास 6.2, फिर आपके पास आए 5.8, ठीक है। हम बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं और बहुत सारी रीडिंग लेकर उनका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने से क्या होता है,
जो एक्चुअल लेंथ है वहां तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर में क्या है, ये एरर इंस्ट्रूमेंटली भी हो सकती है, कैसे भी एरर हो, उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे रीडिंग ले लेते हैं और उन सबका एवरेज ले लेते हैं, जिससे रैंडम एरर्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर भी एक तरह से देखा जाए तो ये रैंडम एरर जैसी ही है। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रॉस एरर है, ये ग्रॉस एरर भी चाहे एक्सटर्नल सोर्सेस से जनरेट हुई हो, चाहे रैंडम एरर से जनरेट हुई, इसमें भी हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए वही बहुत सारी रीडिंग लेते हैं और एरर्स को रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह की मोस्टली एरर है, सिस्टमैटिक, रैंडम और ग्रॉस एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक की हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, पांच इसके पार्ट हैं। पहला है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा आपके पास पर्सनल एरर, तीसरा आपके पास इंटरनल सोर्सेस के एरर, और फोर्थ है कॉन्स्टेंट एरर, और फिफ्थ है एक्सटर्नल सोर्स एरर, ठीक है। तो इस तरह से एरर जो हमने जनरेट की है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, एरर होती क्या है उसको पढ़ा है, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे इन एरर्स की कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू क्लास।